जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आचार्य चाणक्य सेवा आश्रम का संस्थापक आनंद योगी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, आज का यह वीडियो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित है। सबसे पहले मैं एक छोटे से घटना का उल्लेख करना चाहता हूँ। सन 1912 की घटना है। उस समय भी एक वायरस पूरी दुनिया पर संक्रमण फैला रहा था। इससे विश्व की आबादी का 4 करोड़ जनसंख्या प्रभावित हुआ और 6000 लोगों की इससे मृत्यु हो गई। उसके बाद एक देश ने इसका एक वैक्सीन तैयार किया और जब लोगों को इसका वैक्सीन लगाया गया तो उस वैक्सीन के प्रभाव से 60 लाख लोगों की मृत्यु हुई। संक्रमण से 6000 लोग मरे लेकिन वैक्सीन के लगने से 60 लाख लोग मरे। यह घटना मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप वैक्सीन के नाम पर हो रहे गोरख धंधे को समझ सकें और किस प्रकार से यह इंसान के जीवन को प्रभावित करता है, जीवन को खतरे में डालता है, आप उससे बच सकें। आज के दौर में भी कोरोना संक्रमण नाम का एक अंतर्राष्ट्रीय महामारी फैली हुई है जिसके प्रभाव से पूरा विश्व घबराया हुआ है। इस बीच यदि कोई देश कोई वैक्सीन बना लेता है तो वह उसे मनमाने रेट में पूरी दुनिया को बेचेगा और उसकी कोई गारंटी नहीं होगी कि वह वैक्सीन कितना सफल हो रहा है या कितना असफल हो रहा है। मेरा अनुरोध सिर्फ इतना है कि वैक्सीन के नाम पर गरीब जनता से आर्थिक शोषण ना किया जाए। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं चाहता हूं कि कोई भी वैक्सीन कोई भी देश बनाता है तो उसका वितरण संपूर्ण राष्ट्र को बराबर एवं जायज कीमत पर उपलब्ध करवाना चाहिए। वैक्सीन का ज्यादा कीमत नहीं होना चाहिए जिससे अमीर और गरीब दोनों इसका उपयोग कर सके। मैं मानवाधिकार की बात कर रहा था। मानवाधिकार का अर्थ होता है कि मानव के अधिकारों की रक्षा करना। इन अधिकारों में से एक अधिकार है जीवन जीने का अधिकार। यदि हम वैक्सीन या दवाइयों की कीमत को ज्यादा रखते हैं तो उससे गरीब व्यक्ति उस वैक्सीन को नहीं खरीद पाता और वह संक्रमण से मारा जाता है। तो मैं चाहता हूं जो भी दवाइयां मार्केट में आए, जो भी वैक्सीन मार्केट में आए, उन दवाइयों की कीमत कम होनी चाहिए जिससे आम आदमी उसका उपयोग कर सके और वह अपनी जिंदगी को बचा सके। इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एकता, सामंजस्य, सहयोग की भावना से पूरे देश को, पूरे राष्ट्रों को इस पे काम करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दवाइयों का जो एक काला बाजारी गोरख धंधा, 1 रुपए की दवाई को 1000 रुपए में जो मुनाफा, 1000 गुना मुनाफा लेकर जो बेचा जाता है, यह गोरख धंधा बंद होना चाहिए जिससे मानव के अधिकार, जीवन जीने के अधिकार की रक्षा हो सके। जय हिंद, जय भारत।